सोनी टीवी के रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 2 अपनी लोकप्रियता के मामले में बाकी सभी रियलिटी शोज को पीछे छोड़ रहा है। अब इस मशहूर शो को अपने टॉप 15 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं और आज इनका चौथा एपिसोड होने वाला है। इन कंटेस्टेंट में समायरा, प्रज्वल, विश्वास, रोहन दास, सोयाब अली, प्रत्युष अरुणा, आर्यानंद बाबू, संतनी, कांचीलाल, शायशा, विश्वजा, हर्षिता, चैतन्या, मोहम्मद फैज, ऋतुराज मणि जैसे कंटेस्टेंट शामिल हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि कैसे ये 15 कंटेस्टेंट में से कौन विनर बनेगा और किस कंटेस्टेंट का कैप्टन सुर्खियों में आने वाला हूँ। भैया आपको बता दें, शो में इस वक्त प्रज्वल नाम का कंटेस्टेंट खूब सुर्खियों में, जो पवनदीप की टीम का बताया जा रहा है। हालांकि प्रज्वल की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही है, लेकिन वो पवनदीप की टीम के कंटेस्टेंट है तो हो सकता है कि वो ही विनर बने। पंजाब की 10 साल की समायरा ने भी अपने अविश्वसनीय आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने किस लिए मैंने प्यार किया पर अपनी परफॉर्मेंस देकर अलका जी को इमोशनल कर दिया था। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 11 साल के प्रज्वल विश्वास तुरंत ही सभी की पसंदीदा बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जजेस के सामने सुन मेरे बंधुरे गाना गाया था और जजेस ने प्रज्वल का नाम उनका नाम प्रभु प्रज्वल भी रख दिया। उनके प्रदर्शन से सभी कप्तानों को मंच पर सराहना मिली और खूबसूरत आवाज और प्रतिभा को नमन किया गया। मंच पर आग लगाने वाले पश्चिम बंगाल के रोहन दास सिर्फ 10 साल के, उन्होंने हम थी वो थी और समा रंगीन समझ लेना पर शानदार परफॉर्मेंस दी। इनकी परफॉर्मेंस से हिमेश रेशमिया इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बच्चे को कंप्लीट परफॉर्मर कह दिया। हरियाणा के शोएब अली जो कप्तान सलमान अली की कुर्सी छीनने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे और इनके बीच टक्कर खूब दिखाई दे रही है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश के प्रत्युष आनंद ने न सिर्फ अच्छा गाना गाया बल्कि कुछ स्वादिष्ट खाने के साथ उन्होंने सभी को खुश कर दिया। पश्चिम बंगाल की 14 साल की अरुणा दास ने भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और अनिता कांचीलाल बहुत खुश हुई इनकी परफॉर्मेंस से। पहले आपको सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट अब तक का कौन लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हाल ही में पवन अरुण नैरोबी में एक इवेंट में पहुंचे थे जहां इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद फोटो शूट करवाया था। ये जू भी गए थे। चिड़ियाघर में जाकर पवन अरुण कई जानवरों के साथ फोटो शूट करवाते नजर आए थे। पवन जानवरों को अपने हाथों से खाना खिलाते दिख रहे थे। अरुण तो उनकी वीडियो बना रही थी। पवन अरुण के ढेर सारे फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। अब उन्हीं में से एक और रोमांटिक वीडियो सामने आ गया जिसने फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। दरअसल उस वक्त पवन आरू अपनी टीम के लोगों के साथ गए थे। इन्होंने एक जैसे कलर के कपड़े भी पहने थे क्योंकि इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते तो कुछ ऐसे ही कॉस्ट्यूम में नजर आते। पवन अरुणता ने टीम के साथ खूब फोटो शूट करवाया था। पवन अरुण ने एक दूसरे के साथ जहाँ खूब एंजॉय किया, दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते नजर आए थे। दोनों एक दूसरे से इतनी बातें करते दिखे थे कि इनकी वीडियो भी कोई पीछे से बना रहा था। जी हाँ, जब पवन अरुण एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे तो किसी ने इनकी वीडियो अपने एक फोन में कैद कर ली थी। वीडियो में देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बातें करे जा रहे हैं। अरुणता अपने बैग से कुछ सामान निकाल कर पवन को देती नजर आ रही है। दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आए। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो को लेकर कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बंद होने वाला है। दूसरी तरफ द कपिल शर्मा शो की पूरी टीम भी यूएसए टूर पर जाने वाली है जहां वो अपने लाइव शो भी करते नजर आएंगे। लेकिन खास बात तो यह है कि द कपिल शर्मा शो के बंद होने से पहले ही शो की खास सदस्य यानी अर्चना पूरन सिंह के हाथ चांदी लग गई है। द कपिल शर्मा शो के बाद अर्चना पूरन सिंह एक्टर शेखर सुमन के साथ एक और कॉमेडी शो जज करने वाली हैं। अर्चना पूरन सिंह एक्टर शेखर सुमन के साथ सोनी टीवी पर इंडियाज लाफ्टर चैंपियन जज करेंगी। ये शो द कपिल शर्मा शो को सोनी टीवी पर रिप्लेस करेगा। वहीं आपको बता दें, इस रियलिटी शो में देश भर के स्टैंड अप कॉमेडियन आएंगे और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। शो की प्रकृति को लेकर कहा जा सकता है कि ये कुछ हद तक द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसा ही है जिसने इंडस्ट्री को द कपिल शर्मा और भारती सिंह जैसे स्टार दिए हैं। वही आपको बता दें, अर्चना पूरन सिंह शेखर सुमन इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में बतौर जज दिखाई देंगे। हालांकि अभी तक इस मामले पर अर्चना पूरन सिंह ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। बता दें, शेखर सुमन पहले भी कॉमेडी शो जज कर चुके हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जज किया था।
वहीं तक कपिल शर्मा शो की बात करें तो इस सप्ताह कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन फिल्म भूतनाथ 2 का प्रमोशन करने आएंगे। उनसे जुड़े कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कपिल शर्मा, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी संग मस्ती करते दिखाई दिए और उसके बाद इनके शोज नजर आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो वक्त है। और कपिल का शो क्यों बंद हो रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसके बारे में हम जल्द ही आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से अनीता के नाराजगी वाला एक वीडियो सामने आया, जो तरह तरह के सवाल पैदा कर रहा है। वीडियो में अनीता सोफे पर बैठकर सामने की तरफ घूर रही हैं, किसी को बहुत गौर से देख रही हैं, जैसे पवन उनके सामने हो या फिर हो सकता है कि अनीता किसी बड़ी सोच में डूबी हुई हो। न जाने वो क्या सोच रही है, क्या देख रही है। फिलहाल तो अनीता की इस वीडियो को पवन के नए गाने से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, पवनदीप का बहुत जल्द एक नया गाना इश्क बढ़ता गया रिलीज होने वाला है, जिसमें एक्ट्रेस हिवा नवाब नजर आ रही हैं और एक्ट्रेस के साथ पवनदीप का नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस गाने में पवनदीप ने सिर्फ आवाज ही दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि पवनदीप अगर इस गाने में एक्टिंग करते तो शायद बात कुछ और ही होती, वो भी एक्ट्रेस हिवा नवाब के साथ। जी हाँ, पवनदीप के नए गाने का पोस्टर सामने आने के बाद लोग पवनदीप को हिवा से जोड़ने लगे हैं, चाहते हैं कि दोनों एक साथ काम करें, लेकिन कुछ का कहना है कि पवनदीप के साथ सिर्फ अरुणिता ही जचती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अरुणिता पवनदीप के साथ कभी एक्टिंग करेंगी भी, या अरुणिता पवनदीप को किसी एक्ट्रेस के साथ एक्टिंग करते देख सकती हैं? क्या वो इस वीडियो में यही सब सोच रही हैं? ये सब जानने के लिए फैंस ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं। अरुणिता की इस वीडियो को बार बार देखकर पूछा जा रहा है कि अरुणिता पवन से नाराज हो क्या। पवनदीप अरुणिता की जोड़ी खूब चर्चा में, हर रोज इन्हें एक नए अंदाज में दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते देखा जाता है। फैंस भी इस जोड़ी से बहुत खुश हैं और इन्हें बधाइयां देते रहते हैं कि दोनों एक साथ ही रहें। और कहीं ना कहीं ये बात पवनदीप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और किसी वजह के चलते वो अरुणिता पर नजरें टिकाए रखते हैं, वो अरुणिता के साथ ही रहते हैं और सेट के लोग भी ये बात जानते हैं। अभी तो हाल ही में हिमेश रेशमिया ने सबके सामने ये बोल दिया था कि पवन, तुम्हारी नजरें अरुणिता पर ही क्यों होती हैं? हर वक्त तुम अरुणिता से बातें करते रहते हो, क्या बात है, तुम अरुणिता को क्यों देखते रहते हो? तो पवनदीप ने कहा कि मैंने उनकी फैमिली से वादा किया है कि वो अरुणिता के साथ रहेंगे, उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। और पवन ने वही किया, पवन ने कहा कि आप दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा। पवनदीप की ये बात सुनकर अरुणिता की भी आंखें भर आईं और वो भी पवनदीप को प्यार भरी नजरों से देखने लगी और कहती हैं कि पवनदीप जब गाते हैं तो अमेजिंग लगते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। अरुणिता ने कहा कि पवनदीप की जितनी तारीफ करें उतना कम है, इतना ही नहीं जब सेट पर कोई पवनदीप से बात करता है तो अरुणिता भी सब काम छोड़कर पवनदीप पर नजरें गड़ाए बैठी होती हैं, पवनदीप से जुड़ी बातों को बहुत ध्यान से और गौर से सुनती हैं। जैसा कि आप बैली डांस वाले वीडियो में देख ही सकते हैं कि हिमेश रेशमिया पवन से बैली डांस करने के लिए मना रहे होते हैं और अरुणिता उनके पीछे खड़े होकर पवन का चेहरा देख रही होती हैं और पवन के हाँ या ना कहने पर चेहरे के एक्सप्रेशन देती हैं।